सनसनीखेज घटना की सूचना मिली थी। बरौठा थाना क्षेत्र के बागरदा गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग की नृशंस हत्या करके उसके हाथ शरीर से पृथक करके और उसकी डेड बॉडी को जंगल में डाला गया था, खेतों के पास बनी हुई झाड़ियों में डाला गया था। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी हमारे लिए, जिसका हमने 48 घंटे में ना केवल घटना का खुलासा किया है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त किए गए सभी संयंत्रों को भी हमने जब्त किया है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस तरह से है कि इसमें 6 तारीख की शाम को हमको सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पहले अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद जब पता चला कि इस व्यक्ति की है, इस लड़के की है, उसके घर वालों को बुलाया गया, उनको सूचना दी गई। जैसा मैंने बताया, बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी, इसके लिए हमने 3 टीमों का गठन किया और 3 टीमों ने 24 घंटे दिन रात मेहनत करके इस घटना को यहाँ तक लाए और उसमें बहुत ही साइंटिफिक और तकनीकी इन्वेस्टिगेशन हमने इस क्राइम में किया है। चूँकि नृशंस हत्या का मामला था तो इसमें 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से की गई थी। उसी क्रम में DSP हेडक्वार्टर, TI बरौठा और उनके थाने की समस्त टीम ने, TI AJK साइबर की टीम ने, तीनों टीमों ने मिलकर बहुत मेहनत की। इसमें प्रोलॉन्ग इंटरोगेशन टेक्निक का उपयोग किया, जिसमें हमने इंटरमिटेंट लोगों से पूछताछ की, उनको बार बार थाने पर बुलाया, उनसे बातचीत की और उनकी बातों में जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे उनके आधार पर हम इस घटना के अंजाम तक पहुंच पाए। जो आरोपी है मोहन लाल, उसने खुद ने अपने ही बेटे की हत्या इसलिए कर दी कि उसके किसी पड़ोस में रहने वाली उसकी चचेरे भाई की वाइफ से अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों को लेकर यह हत्या की गई। इसमें जो मासूम था उसने इन लोगों को अवैध आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इसी को लेकर महिला लगातार दबाव बना रही थी। 2 तारीख को उसने देखा था, 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक लगातार महिला ये दबाव बना रही थी कि या तो इसको, जिसको पता चला है उसको आप रास्ते से हटा दो, नहीं तो मैं खुद अपनी जान दे दूँगी। इसी दबाव में आकर आरोपी मोहन लाल ने अपने खुद के बेटे की हत्या कर दी। हमने बता दिया है, TI बरौठा और इनकी पूरी टीम ने किया। सर, इसमें जो कल आरोपी की निशानदेही पर आरोपी ने बताया कि मैंने दोनों हाथों को ये जो दराता पड़ा है इससे काट के, इस रस्सी से गला घोंट के और उनको जो बोरवेल है उसमें डाल दिया। बोरवेल उसने बता दिया, उसमें आज कैमरे के माध्यम से हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। जिस पैकेट में उसको डाला था वो पैकेट और हाथ उसमें नज़र आ गए हैं, उसको निकालने की कार्रवाई जारी है।